अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमने देखना है कि हमारे पास जब हमें ज्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए हो तो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। यानी कल हमने सिंपल माइक्रोस्कोप देखी जिसमें एक बायकन्वेक्स लेंस था। इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या है, दो बायकन्वेक्स लेंस है। दो बायकन्वेक्स लेंस हमें फिगर में भी नजर आ रहे हैं। एक लेंस हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट के पास पड़ा होगा, उसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस। और एक लेंस हमारे पास क्या है, आईपीस के पास पड़ा हुआ, उसे हम क्या बोलेंगे, आई के पास पड़ा हुआ है, सॉरी आंख के पास पड़ा, उसे हम क्या बोलेंगे, आईपीस बोलेंगे। ठीक है, दोनों लेंस के अलग अलग नाम है। आईपीस की जो फोकल लेंथ है उसे रिप्रेजेंट किया जाएगा एफ टी से, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, ई फॉर आई। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव लेंस की जो हमारे पास फोकल लेंथ है उसे रिप्रेजेंट किया जाएगा एफ ओ से, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव। ठीक है बेटा जी, तो अगर हम सिंपल इसकी बात कर लें कि अगर मैंने सिंपल बगैर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैं ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ तो उसका जो एंगल है वो थीटा है, हाइट उसकी एच है, और वो डिस्टेंस जो सा वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ बीम के ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, डी। ठीक है बेटा जी, अब मैंने इस डायग्राम को लेबल नहीं किया, मैंने कहा साथ साथ जो से आप लोगों को भी समझ है। तो सिंपल आप लोगों ने बेटा जी रे डायग्राम पढ़ी हुई है 10th क्लास में, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर फोकल लेंथ से बाहर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो उसकी जो इमेज बनेगी वो उल्टी बनेगी, लेंथ से पीछे बनेगी, और हमारे पास क्या होगा, वो इमेज रियल होगी और थोड़ी सी मैग्निफाई होगी। तो रे डायग्राम के मुताबिक हम देख लेते हैं इमेज कहां पे बनेगी, ऐसे होगा और ऐसे हो जाएगा। ये मेरे पास इमेज इस जगह के ऊपर बन गया रे डायग्राम के मुताबिक। इस जो इमेज बनी है इसको मैं बोलता हूं हाइट एच वन, ऑब्जेक्ट की हाइट हमने क्या ली हुई है, एच ली हुई है, तो इसकी हाइट हमारे पास क्या होगी, एच वन होगी। ठीक है बेटा जी, साथ साथ हम फिगर को लेबल भी करते रहते हैं ताकि आप लोगों के लिए बाद में जो समझने से क्या हो, आसान हो। तो देखिए बेटा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो सा था वो था पीओ, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। और ये बेटा हमारे पास ये जो यहां तक का डिस्टेंस बन गया, इसे हम बोलेंगे क्यों वो क्यों बोलेंगे बेटा जी, इसे क्यों वो इसीलिए बोलेंगे कि इमेज का डिस्टेंस है, इस ऑब्जेक्टिव लेंस की जो इमेज बन रही है उसका डिस्टेंस क्यों ओ से, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव। अच्छा बेटा जी, अब हमारे पास ये इमेज बनी है आईपीस की फोकल लेंथ के अंदर, अगर ये आईपीस की फोकल लेंथ के अंदर इमेज बनी है तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप के तौर पर बिहेव करेगा कि अगर फोकल लेंथ से अगर अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और ये इस इमेज को एज ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा, ये जो लेंस है क्योंकि इमेज रियल है इसीलिए हमारे पास ये लेंस हमारे पास क्या करेगा, इसे एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा, और इसे एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करके इसकी इमेज फॉर्म करेगा, वो भी लार्ज होगी और वो लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टेंस बीम के ऊपर बनेगी सिंपल माइक्रोस्कोप के प्रिंसिपल के मुताबिक। ठीक है बेटा जी, अब हमारे पास ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है, तो फिर ये ऑब्जेक्ट है तो आईपी से इसका जो डिस्टेंस है वो हम होगा पीओ। ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, पीओ डिस्टेंस, क्योंकि ये इसके लिए एज इमेज ट्रीट हो रहा है और इसकी इमेज की हाइट क्या है, एच वन। अब हमारे पास जो है, अब हम देखेंगे बेटा जी इसकी जो सी है वो जो सी इमेज हम देखना चाहते हैं कितनी फॉर्म होगी, इसकी इमेज रे डायग्राम के मुताबिक हम देख लें अगर तो वो जाके फॉर्म होगी पीछे कहीं इनलार्ज होकर और एट ए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वीएम के ऊपर वो इमेज बनेगी, और इस इमेज की जो हाइट है उसे हम लिखेंगे एच टू, उसे हम क्या लिखेंगे, एच टू। और अब देखें बेटा ये हमारे पास यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास होगा क्यू ई, डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ आईपीस, आईपीस की इमेज का जो डिस्टेंस है आईपीस के लेंस से वो क्यू ई है। अब दो लेंसेज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, यानी दो लेंसेज के दरमियान का डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये आप मैं एल बोल रहा हूं इसको, एल आप लोगों को वाजे तौर पे नजर आ रहा है कि एल की वैल्यू क्या होगी, क्यू ओ प्लस पीई, आईपीस है पी। ठीक है बेटा जी, दो लेंस के दरमियान की जो सेपरेशन है वो कितनी होनी चाहिए, क्यू ओ प्लस पीई। ठीक है, क्यू ओ क्या है, हमारे पास डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस, कि ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज का जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस से वो क्या हुआ है, और पी हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आईपीस, या डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस फ्रॉम आईपीस, क्योंकि वो उसके लिए ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट कर रही है उसकी इमेज। तो ये हमारे पास इनके दरमियान की सेपरेशन है। तो ये बेटा ये टोटल हमने जो सा डायग्राम को क्या किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, और ये जो एंगल हमारे पास बन रहा है ये हमारे पास थीटा ई बन रहा है। ठीक है,
इमेज का जो एंगल है वो थीटा ही है। आप लोगों को हमने बताया भी हुआ था कि हमारे पास जो मैग्निफिकेशन है, एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होती है, एंगल सब्सटेंडेड बाय द इमेज टू द एंगल सब्सटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास फाइनल इमेज तो यही है ना, H2। H2 हमारे पास क्या है, फाइनल इमेज। तो फाइनल इमेज का जो एंगल है वो थीटा ही है, वो क्या हमारे पास थीटा ही है। और हमारे पास जो सा जो सिंपल हमारे पास ऑब्जेक्ट का एंगल बन रहा था वो थीटा बन रहा था नॉर्मल आंग से, ठीक है, तो वो थीटा ई ओवर थीटा। अब थीटा ई कैसे कैलकुलेट होगा, आप लोगों को पता है इमेज जो था वो लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टेंस मीन के ऊपर बनी है, और हमारे पास ये ट्रायंगल बन जाएगी ये कैसे और ये ऐसे, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस हमारे पास अगर मैं ट्रायंगल सेपरेट करके दिखा दूं आप लोगों को, ऐसे बनेगी, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस डी है, ये वाला डिस्टेंस एच टू है, और ये मेरे पास थीटा ई है, ठीक है। तो मेरे पास टेन थीटा हम करेंगे तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या है H2 और बेस क्या है D, परपेंडिकुलर H2 बेस क्या है D। इसी तरह टेन थीटा करना तो इस ट्रायंगल से करेंगे, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या है H और बेस क्या है D, नहीं H ओवर D आ गया। अगर थीटा और थीटा ई वेरी स्मॉल है तो टेन खत्म हो जाएगा, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आपने देख लेना उधर से, मैं दोनों को डिवाइड कर पाता हूं, थीटा ई ओवर थीटा क्या रहेगा H2 ओवर D और H ओवर D, D D से कट जाएगा, थीटा ई ओवर थीटा हमारे पास M है, तो ये आ गया H2 ओवर H आ गया, ठीक है। मैं क्या करता हूँ इस इक्वेशन में H1 से मल्टीप्लाई भी करवाता हूँ और H1 से डिवाइड भी करवाता हूँ खुद ही। आप लोगों को पता मैथ में कोई भी चीज एंटर नहीं कर सकते, अगर कोई चीज मल्टीप्लाई करवा रहे तो उसी से क्या करवाना पड़ता है, डिवाइड भी करवाना पड़ता है, और ये हम अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए करते हैं। तो ये मेरे पास मैंने H1 से डिवाइड भी करवा दिया, मल्टीप्लाई भी करवा दिया। अब H2 ओवर H क्या है, H2 ओवर H है M1 की मैग्निफिकेशन। M1 हमारे पास हम ले रहे हैं इसे ऑब्जेक्टिव लेंस को, देखें हमारे पास हमने मैग्निफिकेशन नहीं है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पड़ा हुआ आई ओवर ओ, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। H1 क्या है, इमेज का साइज है जो ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाई है, तो ये देखें H1 हो या ना ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो इमेज बनाई थी, और ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट था उसकी हाइट क्या थी H, तो साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस की हमारे पास क्या मैग्निफिकेशन है। अब आए आईपीस के ऊपर, अब आईपीस के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या था, आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट थी हमारे पास है जो ऑब्जेक्टिव लेंस ने इमेज बनाई थी, तो ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज की हाइट क्या है H1, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इसके लिए तो ये ऑब्जेक्ट ही है ना, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय साइज ऑफ इमेज वो H2, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा जी। H2 ओवर H, मैं दोनों की जगह M1 और M2 लिख सकता हूं। और अब M1 हमारे पास क्या है, M1 सिंपल लीनियर मैग्निफिकेशन आएगी क्योंकि ये तो कोई माइक्रोस्कोप तो नहीं है, तो वो Q0 ओवर P0, इमेज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस। M1 आ गया, M2 लीनियर मैग्निफिकेशन है, यहां हमारे पास इसे सिंपल माइक्रोस्कोप बोलेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन का फार्मूला हमें निकालना है, दोनों की वैल्यू पर पुट कर दें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फार्मूला हमारे पास आ गया, ठीक है बेटा जी। तो इस वीडियो को आपने दोबारा देखना है, डायग्राम थोड़ी सी आपने दोबारा समझनी है, उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी, अगर नहीं समझ आई वीडियो को दोबारा देखें, मैं साइड पे अभी हो जाता हूँ, तो आप लोगों ने इसकी क्या कर लेनी है, स्क्रीनशॉट ले लेनी है।